हाय गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू प्राइम मॉम ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने जो चेहरा है, बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने चेहरे का ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम अपने फेस को क्लींज भी कर सकते हैं, स्क्रब भी कर सकते हैं, मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, स्किन को टोनर के काम भी आए। तो इस वीडियो में मैं एक आप सभी को पता है कि विटामिन सी का कितना बड़ा सोर्स होता है संतरा, तो संतरे के संतरा तो खाना नहीं है यहाँ, संतरे के छिलके का जो पाउडर बना के जो चेहरे पे लगाया जाता है, तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो गाइज, यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं होता है इतना भाग दौड़ वाली लाइफ के अंदर, तो मैंने ये जो ओरिगेंस ब्रांड है ना, जो हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स ही देता है, और मैंने आप सबसे कई बार शेयर किया है ओरिगेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट जो मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ, वीडियो को ओरिगेंस ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है। तो ये है ओरिगेंस पील पाउडर है, तो मैं इसकी जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं, अमेजोन की लिंक है। तो गाइज, तो देख सकते हैं मैं इसे एक बार अपने फेस पे लगाती हूँ और इसका क्या असर होगा वो लाइव इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को। यहाँ पे गाइज देखिए, मैं इसके डब्बे का जो है कैप निकाल रही हूँ, एंड यहाँ ओरिगेंस का पाउडर है जो पूरी तरह से नेचुरल है, जैसा हम घर में बनाते हैं वही वाली चीज़ है। तो मैंने एक बाउल लिया है अपने साथ और मैंने इस बाउल में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आई थिंक एक चम्मच से आप हल्का सा कम लेंगे ना, तो आपका जो भी होगा पेस्ट ये बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा डाल रही हूँ, देख सकते हैं। मैं इस एक बार सॉल्यूशन बना के फिर बात करती हूँ। यहाँ पे गाइस, जो मेरा सॉल्यूशन है वो बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैंने क्या किया है, एक चम्मच के आसपास मैंने जो ऑरेंज वाला जो पाउडर है जो उसके छिलके का बना हुआ है वो मैंने लिया और उसमें प्लेन वाटर डाला। और देखिए, मैं इसे अपने चेहरे पे चारों तरफ फैला लूँगी। आप देखिए, जो ओरिगेंस ब्रांड है ना, ये मोस्टली फेस केयर और हेयर केयर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लेकर आता है। तो देख सकते हैं आप, मैं चेहरे पे इसे लगा ले रही हूँ। एंड गाइज, आपको क्या करना है कि नॉर्मली आप फेस पे हल्का सा, नेक पे आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खुशबू कैसी है, बिल्कुल जैसा हम घर में वो पाउडर बनाते हैं ना ऑरेंज के छिलके वाला, सेम वही वाली है, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स ही हम तक पहुंचाता है ये। तो मैं जस्ट फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, 15 से 20 मिनट, यानी कि इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ये थोड़ी सी सूख जाता है। कोई भी आप जैसे कि फेस पैक लगाओगे ना तो ऐसे देखो कैसा चेहरा दिखता है कुछ भी फेस पैक लगाओ तो चेहरा ऐसे ही दिखता है। और जो मेरा बेटा है वो 1.5 साल का है, तो कई बार वो डर भी जाता है ऐसे मम्मा को कुछ लगाते हुए देखकर। अब अगली नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो मैं अपने फेस वॉश करके आती हूँ। बस 20 मिनट आपको छोड़ना होता है। गाइज, मैं यहाँ अपने फेस को धोकर आ चुकी हूँ, तो जो क्लियरिटी है वो आप लोगों के आंखों के सामने है, और जो स्किन है ना बिल्कुल सा सॉफ्ट हो चुका है, और मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। देख सकते हैं आप गाइज, मैं एक बार पूरी जो डिटेल है ना इसका ऑरेंज पील का, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये ओरिगेंस का है, प्योर एंड नेचुरल है, ओरिगेंस पील पाउडर है, इसमें नो एडेड केमिकल, नेचुरल स्किन के लिए ये बिल्कुल है। एंड यहाँ पे मैं एक, ये जो संतरा का छिलका होता है मेन इसी चीज़ का है, और जो इसका प्राइस है 247 है, बट आप अमेजोन से जैसे ही बाई करोगे ना आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं लगेगा। और इसके बेनिफिट्स तो आप मत पूछो, ये अगर आपका एज जो है वो अगर 35+ है या 30 है, तो अगर आप इसे अप्लाई करती हैं तो ये आपके जो स्किन का लुक हो ना वो यूथफुल एंड ब्राइट ले आएगा। वैसे चाहे तो 18+ में जो भी एज की जो भी गर्ल्स है ना वो हर कोई लगा सकता है, और ख़ासकर इसे गर्मियों में लगाने पे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो मैंने इस प्रोडक्ट का तभी रिव्यू किया जब मैंने इसे 3-4 बार अपने फेस पर अप्लाई कर लिया था, उसके बाद किया था। तो गाइज, टोटल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाइए और फ़ौरन इसे बाय कीजिए।